प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना खाएं ये चीजें, अबॉर्शन का हो सकता है खतरा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी डाइट टिप्स शेयर करूंगा एंड आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में विशेष देखरेख और ख्याल की जरूरत होती है क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे तक पहुंचता है, इसलिए जरूरी है कि खान पान का विशेष ख्याल रखा जाए। कई बार कुछ चीजें भले ही फायदेमंद हों लेकिन प्रेगनेंसी में उनका खाना खतरे को दावत देने जैसा होता है, इसलिए इस दौरान खान पीन में कुछ चीजें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी का पता चलते ही कुछ चीजों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं क्योंकि ये खाने से कई बार अबॉर्शन तक का खतरा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं, तो आज का ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। दोस्तों हूं पप्पू दीक्षित चैनल ओनली सिंगल लाइक से। दोस्तों अपने चैनल ओनली सिंगल लाइक पर मैं मोस्टली टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कुछ यूजफुल वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। ज्यादा जानना है मेरे बारे में तो आइए चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लीची की। दोस्तों लीची खट्टी मीठी होती है और इसे प्रेगनेंसी में खाने का मन हो सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल ना खाएं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जो आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट अवॉइड करना है आपको कॉफी। जी हाँ दोस्तों, कॉफी पीना भले ही आपको तरोताजा बनाता हो लेकिन ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके पीने भर से आपके अंदर जो अचानक ऊर्जा का संचार होता है वो बच्चे के लिए खतरा बनता है। दोस्तों इसे पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और यही गर्मी अबॉर्शन का कारण बन सकती है। प्रेगनेंसी में गर्म चीजें खाने से खुद को बचाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों पपीता भी करें अवॉइड। दोस्तों वैसे पपीता खाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन भूलकर इसका एक बीज भी पेट में चला जाए तो ये खतरा हो सकता है। पपीता का बीज बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में पपीता भी ना खाएं। प्रेगनेंसी डाइट टिप्स में जो नेक्स्ट खाने की चीज अवॉइड करनी है वो है फिश। दोस्तों इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ 2-3 सेकंड लगते हैं। ये छोटे छोटे काम आप कर दिया करिए, आपका सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कि फिश खाने से क्या हो सकता है। दोस्तों वैसे फिश खाना बहुत ही अच्छा है, फिश यानी मछली, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे खाने के दो खतरे हो सकते हैं। पहला, फिश की तासीर गर्म होती है। दूसरा, कई बार फिश कई बीमारियों को भी कैरी करती है और उसे खाने से फूड पॉइजनिंग या कोई अन्य दिक्कत भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो नेक्स्ट आपको अवॉइड करना है वो है कच्चा अंडा। जी हाँ दोस्तों, कच्चा अंडा फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। खुद को इस दौरान आम बीमारियों के साथ फूड पॉइजनिंग आदि से भी बचाना जरूरी है। और अंत में फ्रोजन और प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। ये सारी चीजें आपकी सेहत के साथ बच्चे की सेहत को भी खतरे में डाल सकते हैं। फ्रेश और घर का बना खाना ही पूरे 9 महीने आप खाएं। आई होप कि दोस्तों आज आप प्रेगनेंसी डाइट टिप्स में ये जान गए होंगे कि क्या क्या चीजें नहीं खानी है, ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं जिससे आपके होने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ अगले और एक्साइटेड वीडियो में, यहाँ नहीं अपने चैनल ओनली सिंगल लाइक पर। तो मिलता हूँ अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।